बोलने से कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। हम तो पहले भी कहे थे अगर उनको इस आंकड़ों पर विश्वास नहीं है तो कम से कम उनको प्रधानमंत्री जी से कह कर के देश में ही जो है जातीय जनगणना करा लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा होने वाला तो है नहीं, क्योंकि बीजेपी के लोग जो प्रधानमंत्री हैं या भारत सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो चाहते ही नहीं कि देश में जो है जातीय जनगणना हो। और ये जो आंकड़े हैं ये सब लोग जानते हैं कि साइंटिफिक तरीके से जो है इस काम को जो है पूरा किया गया, तो उनके बोलने ना बोलने से अब कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। सर अभी भी कई लोग हैं बिहार में जो चाह रहे हैं कि कब आपका गठबंधन टूटे, एक आप लगाए बैठे हैं कि अलायंस कब टूटेगा, इसी सी बातें। हम देखिए, हम लोगों को इस पर एकदम ध्यान ही नहीं रहता कौन क्या चाहता है कौन क्या करेगा। हम लोग जो है जनता की सेवा के लिए हमारी सरकार जो है काम कर रही है, जो हम लोगों ने जो वादे किए हैं उस पर हम लोग जो है खड़े उतर रहे हैं। सारी चीज़ें आप देख लीजिए, जिस प्रकार से चाहे रोजगार के सवाल पर कोई हम तो पूछ रहे हैं उन्हीं भाजपा वाले लोगों से कि एक राज्य बता दीजिए जहां लाखों की तादाद में जहां बहालियां, कौन सा राज्य है जो निकाल रही है, एक राज्य बता दो। हम लोगों ने जाति जनगणना का कमिटमेंट किया था, हम लोगों ने मानदेय बढ़ाने की बात की थी, विकास मित्र हों, कल्की मरकज हों, आशा वर्कर हों, इन सब लोगों का जो है मानदेय जो है दुगुना जो है किया गया। हर एक काम जो है हम लोग समय पर जो है कर रहे हैं, और इससे बेचैनी तो होगी क्योंकि अब भाजपा को भी लगता है कि जो महागठबंधन जो बिहार में है इसका कोई मुकाबला है ही नहीं, कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। चाहे प्रधानमंत्री या अमित शाह 365 दिन भी यहाँ रहेंगे तो भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। और इस पे तो हमको पढ़ना नहीं चाहिए, देश की जनता जान रही है कि हो क्या रहा है। जो सवाल पूछ रहे हैं, जो सच बोल रहे हैं, उन पे कार्रवाई की जा रही है। तो एक खास है देश के, जिसके वजह से बीजेपी पार्टी जो है चलती है, तो उसके बचाव के लिए जो भी भाजपा के सांसद जिनका नाम ले रहे हैं वो क्या क्या करते हैं नहीं नहीं करते हैं, हर एक राजनेता हर एक पॉलिटिशियन जो है उनके बारे में जानता है, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी डिग्री हो, प्रधानमंत्री जी की डिग्री हो, वो सब लोग जो है सच्चाई तो उस जानते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी उनका क्या काम है एमपी होने के नाते, ये पूरा देश की जनता ही नहीं बल्कि जो पत्रकार हैं, जो बहुत शुरू से ही जो राजनीति को देखते आए हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उन सबको भी पता है कि क्या हो रहा है। और महुआ मित्रा जो है पढ़ी लिखी महिला है, जिस कॉलेज से पढ़ी है उस कॉलेज में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल होता है। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल एक्रेडिटेड बाय IAO एंड एफिलिएटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी लिस्टेड इन WHO। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।